नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। भारत की पूर्व पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने आज उनके और दूसरे दिग्गज पहलवानों विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही साक्षी मलिक ने ब्रजभूषण पर उनके परिवार को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि युवा पहलवानों ने आज अनुभवी पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उन पर कुश्ती से जुड़ी सभी गतिविधियों को रोकने और खेल में आने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया। आइए आपको सुनाते हैं साक्षी मलिक ने क्या कुछ कहा। आप सब जानते हैं कि 21 दिसंबर को जो है मैंने संन्यास ले लिया है कुश्ती से, और सरकार ने जो नई फेडरेशन उसका निलंबन किया उसका मैं स्वागत करती हूँ। और जैसे ही चुनाव हुए तो ब्रजभूषण ने जो बेउद्गी की वो सब पूरे देश ने देखा। 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसने जो है अपने ही घर में नेशनल रख दिया बिना किसी नियमों को जाने। और ब्रजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये हमें मालूम नहीं था। और अभी 2-4 दिन से भी एलिगेशंस लगा रहा है, 2-4 दिन से नहीं काफ़ी दिनों से एलिगेशंस लगा रहा है कि हम जो हैं वो जूनियर बच्चों का हक मार रहे हैं, जूनियर बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। मैंने संन्यास ले लिया है और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बाद आने वाली जूनियर लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं 62 किलो में जो हैं, वो मेरा सपना पूरा करें। मैंने ब्रॉन्ज जीता है, मैं चाहती हूँ कि पेरिस ओलंपिक में 62 किलो में जो भी नई लड़कियाँ हैं वो गोल्ड या सिल्वर जीते देश के लिए। और हेड ऑफ कमेटी ने सीनियर नेशनल अनाउंस किया है और मैं चाहती हूँ कि अंडर 15, 17, अंडर 20 का भी नेशनल वो जल्द से जल्द अनाउंस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी भी बच्चे बच्चियों का जो है रेसलिंग में नुकसान हो। और हमें जो है नई फेडरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमें एक आदमी से दिक्कत थी, संजय सिंह से। और अगर नई फेडरेशन दोबारा आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें एडहॉक कमेटी से भी कोई दिक्कत है। मैं सरकार जो है माँ बाप की तरह होती है, जब बच्चा कोई भी शिकायत करता है या कोई भी उसे मांग होती है तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है, तो वो भी हमारे अभिभावक हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, इन सब से मैं अभी भी यही निवेदन करती हूँ कि जैसा कि आप इतने समय से देख रहे हैं वो अभी भी संजय सिंह है, वो कैसे आंखें दिखा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि फेडरेशन में जो है उसका दोबारा से कोई इंटरफेरेंस हो, ये आपसे निवेदन है। नई बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो सुरक्षित महसूस करें। और पिछले 2 दिन से जो हैं वो ब्रजभूषण के आदमी जो हैं वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। मेरे घर मेरी मदर के पास कॉल जाता है धमकी के लिए कि उसी के किसी आदमी का कि जल्द से जल्द आपके घर में किसी पे केस होने वाला है। तो मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहती हूँ कि हम सुरक्षित रहें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। तो सुना आपने, साक्षी मलिक ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष संजय सिंह को छोड़कर उन्हें नव निर्वाचित महासंघ से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो केंद्रीय खेल मंत्रालय से नव निर्वाचित महासंघ के निलंबन का स्वागत करती हैं।